हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाइल्ड म्यूजू में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आ गए हैं एक भाई के पास जिनके पास बहुत सारे ब्रीड है डॉग की, और मैं अलग अलग ब्रीड आपको दिखाता रहूँगा। ये है टॉय पॉम, ये वाला देखिए, ये टॉय पॉम है और बहुत छोटा था, है एक हाथ में आ जा रहा है, चार महीने का है। इसकी हाइट भाई कितनी बढ़ती है? बस इतनी जितना है, थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो अगला डॉग आ गया है हमारे पास, हार्ले क्वीन का ग्रेट डेन, और इसका कलर है वाइट में है और हल्का इसमें स्पॉट है ब्राउन कलर के, और बहुत प्यारा डॉग लग रहा है। ये देखिए आप लोग, भाई इसके क्या प्राइस होंगे? ये 25,000 रुपये मेल, 25,000 रुपये मेल, और फीमेल का? फीमेल 20,000 रुपये। ये देखो इसी के ही बच्चे हैं ये दोनों, एक ये वाला है और एक ये है पीछे। और इनकी माँ दिखा रहे, ये इसकी माँ है। इसकी हाइट देखो, मतलब इसकी हाइट भी काफ़ी है और ऐसे ही इससे काफ़ी बड़े जाएंगे मैं लग रहा है। जो मेल डॉग है जो इनका पिता है वो इससे डबल है। फीमेल की हाइट कम होती है, मेल की हाइट ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा, तो इसमें जो मेल डॉग हो गए उनकी हाइट डबल जाएगी इससे? हाँ, मेल की हाइट ज़्यादा रहती है। ये है हस्की ब्लू आइज वुल्ली कोट में, और इतने प्यारे डॉग हैं ये वाले, मुझे तो मतलब बहुत मज़ा आया इनके साथ। इनके जो फर हैं वो इतने सॉफ्ट हैं मैं बता नहीं सकता, और इतने एक्टिव डॉग थे, इतना खेल रहे थे, मैं जहाँ जा रहा था मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इन डॉग्स के साथ। इसमें एक और कलर था जो वो भी बहुत डॉग मतलब प्यारा लग रहा था, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है गोल्डन ब्राउन में, और इसकी भी आइज़ ब्लू थी, और ये भी बहुत एक्टिव था, बहुत प्लेफुल था। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरी वॉइस सही से आ नहीं पाई, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इसमें, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगा तो बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँगा इन डॉग्स की। और एक और स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है इगुआना, और ये इगुआना देख रहे हो, उसका कलर देख रहे हो आप, आगे ब्लू था और पीछे साइड ब्राउन था, इतनी बढ़िया लग रही थी, मतलब बहुत मस्त लग रही थी। पहले तो मुझे डर लग रहा था इनसे कि कहीं काटे ना, लेकिन ये काटती नहीं है। इनके साथ जब मैं मतलब इसको मैंने हाथ में लिया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और इसमें कलर था, ये येलो कलर में, और ये भी इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब बहुत अच्छी लगी। मैंने पहली बार ऐसे हाथ में किसी इगुआना को पकड़ा हुआ था, डर भी लग रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था। मुझे पता है कि ये वाली जो वीडियो थी वो सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, कहीं कहीं पर मेरी वॉइस नहीं आई तो वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। और अगली बार मैं जाऊँगा तो बहुत अच्छे से वीडियो वहाँ की बनाऊँगा और आप सब लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करूँगा। और अगर किसी को भी भाई को डॉग्स चाहिए हो या इगुआना चाहिए हो, मतलब बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि ये वाला डॉग कहाँ मिलेगा या ये पैरट कहाँ मिलेगा, तो आप सिंपल सा एक काम कीजिएगा, अपना नंबर और जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी का नेम कमेंट में भेज दीजिएगा, मैं उन भाई को दे दूंगा नंबर जिनके पास ये डॉग्स हैं, इगुआना है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको जो भी चाहिए हो उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय।